फ्रेंड वंस अगेन वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल दैट इज एनहांस योर नॉलेज टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर चैप्टर नंबर फाइव नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट्स ऑफ अ माउस प्यारे बच्चों आज मैं आपको आपके चैप्टर नंबर फाइव द माउस के नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में समझाऊंगी नेक्स्ट पेज के बारे में जैसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है पार्ट ऑफ आ माउस आज हम पढ़ेंगे माउस के पार्ट्स के बारे में लाइन लाइन बाय देखेंगे स्टार्ट माउस हैज थ्री बटन्स बटन्स माउस के पास कितने बटन्स होते हैं दे आर लेफ्ट मिडल एंड राइट कौन कौन से बटन होते हैं लेफ्ट मिडल एंड राइट ये देखो ये माउस की पिक्चर यहाँ पर बना रखी है इसमें ये जो लेफ्ट बटन है इसे हम लेफ्ट कहते हैं ये राइट right बटन होता है ठीक है और आपके पास बीच में होता है स्क्रॉल बटन बेटा ये माउस आपके पास पिक्चर है जो आपकी उल्टा दिख रहा है आप माउस को इधर से नहीं पकड़ते माउस की वायर जो होती है वो इधर से होती है क्योंकि हमारा जो माउस होता है वो उस तरफ घुमा हुआ होता है इसलिए आपको ये बटन उल्टे नजर आ रहे हैं इसे हम लेफ्ट बोलते हैं राइट जैसे आपके हाथों में लेफ्ट होता है राइट हैंड होता है इसी तरीके से माउस के पास लेफ्ट बटन होता है राइट बटन होता है और मिडल बटन भी होता है ओके सम माउसेज आर अवेलेबल विद वन बटन और टू बटन कुछ माउस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक बटन भी होता है और कुछ माउस ऐसे होते हैं जिसमें दो बटन भी होते हैं आइए एक यहाँ पर पोइम बोल रखी है हम भी गाएंगे लेट सिंग चलिए हम मिलकर गाते हैं इन माई हाउस देर इज माउस फिर से बोलो इन माई हाउस देर इज अट लाइक चीज So stop that please. It won't like cheese. So stop that please. इसका मतलब क्या कह रहा है मेरे घर में भी एक माउस है जिसको चीज़ पसंद नहीं है इसलिए उसके सामने चीज़ का नाम मत लीजिए बंद कर दीजिए वंस अगेन वह हम मिलकर बोलेंगे इन माई हाउस देयर इज़ ए माउस इन माई हाउस देयर इज अट लाइक चीज़ सो स्टॉप दैट प्लीज ओके okay, मज़ा आया हाउ टू यूज़ द माउस हम पढ़ेंगे अब हाउ टू यूज़ द माउस टू यूज़ द माउस माउस को यूज़ करने के लिए होल्ड इट यो इन योर हैंड माउस को अपने हाथ में पकड़िए कुछ ऑर फोर फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन फोर फिंगर कौन सी होती है आपकी आपकी जो फोर फिंगर होती है उसे लेफ्ट बटन पर रखना है इट मीन्स फोर फिंगर जब आपके अंगूठे के साथ होती है उसे हम बोलते हैं फोर फिंगर ठीक है पुट योर मिडल फिंगर ऑन द राइट बटन और जब जो मिडल फिंगर होती है उसको राइट right बटन पर हम रखेंगे नाउ यू कैन मूव द माउस ऑन द माउस पैड और माउस को हम माउस पैड की हेल्प से मूव कर सकते हैं and watch the कंप्यूटर स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन को देख भी सकते हैं फिर से हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है a mouse विदाउट अ स्क्रोल व्हील इज अ लेज़र माउस एक ऐसा माउस जिसमें स्क्रोल व्हील जो बीच का जो बटन होता है जो घूमता है अगर वो नहीं होता है तो ऐसे माउस को हम बोलते हैं लेज़र माउस तो लेज़र माउस कौन सा माउस होता है जिसमें स्क्रोल व्हील बटन नहीं होता है ओके okay, क्लियर है आज का आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय टेक केयर